It feels far better to give than to take. It yet is an acknowledgement which is much appreciated. What do you want to say to people who want to give to society? Anything, any few words from you? You know, every little thing that can be given by every single human being gives them much more than it takes away from them, actually. And there's never too much to be done. There's never too little to be done. There's enormity of work out there in a variety. There's so many evils out there and there's so much work to be done. So please just get to it. It doesn't necessarily have to be about money and things. More important is the heart, is the work, is the energy and the intent. Thank you so much, ma'am. Thank you. एक स्टैंडिंग पिक्चर ले लो ना. खुशी है मुझे और बहुत ही प्रिविलेज और ऑनर फील कर रही हूँ आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं. सोसाइटी अचीवर्स गिविंग बैक फेलिसिटेशंस हो रहे हैं एंड मुझे उनका एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो मुझे उनकी ट्रॉफी बहुत ही खूबसूरत लगी. ये आई थिंक हमारी धरती माँ है, दिस सिंबलाइजेज आवर प्लैनेट और हम सबकी ड्यूटी है कि ये हमारा एक ही प्लैनेट है, ऐसे ही हम इसका ख्याल रखें क्योंकि हमारे पास कोई और प्लैनेट नहीं है. तो चाहे हमारी प्रकृति है, हमारे जानवर है, हमारे पशु पक्षी हैं, जो भी है इस धरती पे किसी कारण है तो इसको संभालना बहुत 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 हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे आज मिला. थैंक यू. आई जस्ट कंप्लीटेड द फिल्म, दो दिन का काम बाकी है. सो गेट रेडी फॉर सम माइंड ब्लोइंग एक्शन. फतेह में एकदम अलग एक्शन दिखने वाला है हमें, एकदम अलग लेवल पर. आपने उसकी अलग प्रैक्टिस की, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? Of course, I think it's too early, but yeah, I would say that we've shot in many countries. It's a very high octane action film, and I'm sure the fun we've made in making it, the fun you'll have seeing it will come. And your co-star, Zachary Fernandez, I think Jacqueline is one of the nicest people I've come across. Even when I've seen 100 films, but I'm on the record, I think she's one of the nicest. Very, very humble, very focused, and I can say that this is going to be her best film. Thank you. सुनो सर, आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है सैलून वाले के साथ, आप जी उसके सैलून में चले गए थे? मैं दिल्ली में शूट कर रहा था और वहीं पे माधव भाई का सैलून खुला हुआ था. और आई थिंक जो जितने छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस, जो लोग बहुत मेहनत करके ऊपर आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए किसी न किसी तरीके से. हम लोग उन्हें अगर सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक दे विल डू वेल इन लाइफ. बड़े शोरूम, बड़ी दुकानें तो हमेशा चलती हैं, बट जो छोटे लोग कोशिश करते हैं ऊपर आने में, उनके साथ खड़े होना बड़ा ज़रूरी है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सोसाइटी अचीवर्स और गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज ऑल अबाउट, इट्स अ कलेक्टिव पावरफुल एक्शन. सो आई फील दैट ऑल द पीपल शुड इंडल्ज इन दिस एक्शन बिकॉज गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज ऑल अबाउट, वी आर बॉर्न फॉर. सो या, थैंक यू. Giving back to the society. I've been a part of all these programs for society from last 2 to 3 years, contributing through Niti Aayog, contributing through diversity compelled by all the authors all over the world. Ma'am, please. आज इन्होंने ये फोरम, ये प्रोग्राम रखा है जहाँ पे वो जितने भी फिलान्थ्रोपिस्ट है शहर के, उनको आज फेलिसिटेट करेंगे और उनकी स्टोरी को वो लोग आज सब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करने वाले हैं, सक्सेस स्टोरी. और ये स्टोरी जो है वो बहुतों के लिए इंस्पिरेशन होएगा क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं किसी भी काम की शुरुआत स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करते हैं और आज वो सारी पर्सनालिटी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना एक मुकाम पाया है. और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो हैं वो बाकी लोगों के लिए भी जो ऐसे काम करना चाहते हैं समाज सेवा के लिए और सोसाइटी के लिए, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता है. और मैं सोसाइटी अचीवर्स इस फोरम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और इस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा सराहना करती हूं. और मैं मेघाश्री एनजीओ के द्वारा अभी सर्वाइकल कैंसर
फ्री इंडिया मूवमेंट पे काम कर रही हूँ और पूरे देश पे मैं इस कार्य में अवेयरनेस प्रोग्राम और स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन पे काम कर रही हूँ और मैंने ये लक्ष्य लिया है कि 2030 तक भारत को सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया बनाना है। थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, जैसे अभी अभी शहना जी ने भी कहा, उसी बात को आगे दोहराते हुए कहूँगा, देने में जो सुख है ना वो लाने में नहीं है, पाने में नहीं है। द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कीप डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एट लार्ज, फॉर मैनकाइंड एट लार्ज। गिफ्टिंग अ स्माइल टू समवन इज द बेस्ट थिंग वट कैन डू वंडर्स इन समवन्स लाइफ। कीप डूइंग, कीप वॉकिंग, कीप मार्चिंग, बट साथ साथ ये याद रखें कि जीवन में किसी मोड़ पर भी हम अगर किसी को कुछ दे पाएँ वो हमारा सौभाग्य होगा। लेट्स श्योरली डू दैट, कीप द स्पिरिट अलाइव एंड कीप डूइंग समथिंग फॉर अ बेटर टुमारो फॉर दिस कॉन्टिनेंट। थैंक यू। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव एंड यू गेट। My father used to always tell us that there are givers and takers in society. The givers sleep well, the takers eat well. सबसे आसान है एक चेक लिखना और एक डोनेशन देना, लेकिन अपना वक्त देना और जैसे कहते हैं कि समाज में जब रोशन फैलाना है अच्छा काम करते जाइए, छोटे छोटे बूंद से बनता है समुंदर। और मैं मानती हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ 3000 साल पहले मनु ने कहा था कि दानी धर्म होता है, मैं मानती हूँ कि यही एक सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो आई'd लाइक टू कंग्रेचुलेट द अचीवर्स एंड सोसाइटी फॉर गिविंग बैक टू सोसाइटी, बिकॉज गिविंग इज द ओनली वे टू गेट, एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट देन टू डू इट ड्यूरिंग नवरात्रि। थैंक यू सो मच। मोबिलिटी रैंप्स, लिफ्ट्स, ट्रेन्स में और स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रैंप्स नहीं होती हैं, तो इस बात के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ एडवोकेट और लॉयर आभा सिंह जी के साथ बहुत सालों से, और बहुत चेंज भी आया जा रहा है। और आप जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये एक मेन मैंडेट था उनके इलेक्शन कैंपेन में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, मैं गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन का प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। हम लोगों ने एक ऐसा प्रकल्प आरंभ किया है जिसके माध्यम से लोग वहाँ पर आकर एक वेलनेस का एक्सपीरियंस करें, आयुर्वेद, योग, आध्यात्म के माध्यम से हृदय का परिवर्तन करें। ब्रजभूमि वृंदावन का एक छोटा सा प्रतिमा बनाया है, 100 रूम्स का हमारा एक स्पिरिचुअल रिजॉर्ट है, और उसके साथ साथ हम लोग आसपास के लगभग 300 गाँव में ग्राम विकास का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भारत के जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन गांव में हर प्रकार की आर्थिक समस्या है, तो हम चाहते हैं शहर के लोग गांव में आएं और गांव में न केवल रहकर अपना मनोरंजन करें, स्वास्थ्य सुधार करें, लेकिन साथ साथ ग्राम विकास में हाथ बटाएं। तो हम लोग वहां पर रूरल डेवलपमेंट अर्थात किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहे हैं, साथ में स्किल डेवलपमेंट का 70,000 स्क्वायर फीट का एक हमारा सेंटर है, गोवर्धन स्किल सेंटर, उसके अंतर्गत युवाओं को हम लोग रोज़गार किस तरह प्राप्त किया जाए वो सिखाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट, जल पर्यावरण के संबंध में भी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट, जो महिला है उन लोगों का हम सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने लगभग 10,000 किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। हम दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा, उसके पश्चात पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली वो अपनाएं, और तत्पश्चात सामाजिक रूप से वो परिवर्तन करने में सक्षम हो। मैं सोसाइटी अचीवर्स मैगजीन का आभारी हूँ कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए इतने लोगों को एकत्रित किया और हम सभी को एक दूसरे से मिलकर आप तक ये संदेश पहुँचाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, एक सवाल है कि आपने जो जिक्र किया कि गांव से तो लोगों को शहर में लेके जाना आसान है, लेकिन शहर से लोगों को गांव में लाना चाहिए, जो आनी है शहर की सुविधाओं से, तो उनके लिए उनको गांव में लेके जाना, उस कल्चर में अडॉप्ट करना, ये कितना मुश्किल रहता है? तो वास्तव में क्योंकि आज अधिकांश लोग गांव से शहर की ओर आना चाहते हैं, हमने ऐसा प्रयास किया कि भाई जो गांव का व्यक्ति वो स्वावलंबी हो, उसे इस बात का स्वाभिमान हो कि मैं जो गांव में हूँ यहीं पर रहकर
मैं अच्छे प्रकार से अपना रोजगार कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ और अपने गांव के अंदर जो कोई भी परिवर्तन लाना हो मैं स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर कर सकता हूँ। तो इसलिए केवल आर्थिक विकास करना आवश्यक नहीं, इसके साथ साथ एक सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाना है जिसमें गांव में रहते हुए व्यक्ति को अभिमान हो कि मैं गांव में हूँ, उसे ये शर्म ना आए कि मैं गांव में हूँ और मुझे शहर जाने पर ही मुझे सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। तो एक सामाजिक विचारधारा को बदलने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही डज गेट अफेक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन एंड फीलिंग्स।